हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे FEA का बुक 2, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल में लेसन नंबर 113 और ये आपका 58 भी हो सकता है, ठीक है। तो और ऐसे ओल्ड और न्यू बुक थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं तो आप समझ लीजिएगा। लेसन 113 तो टॉपिक क्या नाम है, इस टॉपिक का नाम है बींग कंसिडरेट, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, तो इस टॉपिक में आपको मतलब कि जैसे कि आपको इन कंसिडरेट इसके बारे में आपको बताया गया है। तो आशा करता हूँ आप पूरा वीडियो को देखेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और आप क्लास में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है दोस्तों। और आपको चीज़ें टेलीग्राम पे भी मिल रहा है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप बात भी कर सकते हैं, आप किसी चीज़ कोई भी दिक्कत हो या फिर इससे रिलेटेड आप पूरा बातें कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, यहाँ जी सर यहाँ पर यहाँ दिक्कत है हमें, यहाँ आप बता दीजिए, ठीक है। तो आपको एक तरफ की चीज़ें बताया जाएगा। यहाँ पर मैंने एडवांस लेवल पूरा पढ़ा चुका हूँ, FEA का अभी तक किसी ने एडवांस लेवल नहीं पढ़ा, मैंने FEA का एडवांस लेवल पूरा पढ़ा दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। एडवांस लेवल बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ और मैं इंटरमीडिएट लेवल को पढ़ा रहा हूँ, तो सभी चीज़ें मिलेंगी। आप दिक्कत आप किसी चीज़ को चिंता मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सो लुक एट द इमेज फ्रॉम आ न्यूज़ रिपोर्ट, सो यू हैव टू बी सी दिस इमेज, ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू बी गिव द आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन है, आपको इसमें लिखना है, आपके अपने जो आपका बुक रहेगा उसमें आपको लिखना रहेगा, ठीक है। आपको इस इमेज को देखना है, ठीक है, इस इमेज में क्या हो रहा है आपको देखना है, इसको समझना है, ठीक है। तो ये इमेज में जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार इंसिडेंट है, ठीक है, कार एक्सीडेंट है, ठीक है। तो कार एक्सीडेंट है तो आप कार एक्सीडेंट है, यहाँ पर कुछ लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और कर रहे हैं, तो ये इमेज यही है, ठीक है। तो आप जब आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, व्हाट इज़ द इमेज अबाउट, ठीक है। सो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इमेज अबाउट। सो इफ वी आर सीइंग दिस इमेज वी कैन से दिस इमेज इज कार एज एक्सीडेंट, ठीक है, कार एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इमेज इज कार एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ जो इमेज है ये कार एक्सीडेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द पीपल डूइंग, व्हाट आर द पीपल डूइंग। सो यहाँ के जो लोग हैं, जब हम इसको जूम करते हैं, देखिए आप यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऐसे वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं। तो यू कैन से दैट व्हाट, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द पीपल डूइंग, ठीक है, व्हाट आर द पीपल डूइंग। सो पीपल आर डूइंग, पीपल आर मेकिंग द वीडियोज एंड यू नो क्लिकिंग द फोटो एंड दे आर नॉट डूइंग समथिंग। सो तो पीपल आर डूइंग, पीपल आर सीइंग, पीपल आर मेकिंग द वीडियोज, तो लोग जो है वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अगला देखेंगे क्या होगा, अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड द पीपल बी डूइंग, मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड द पीपल बी डूइंग। सो पीपल शुड डू द यू नो मत शुड द मतलब ये लोग जो हैं ये जैसे कुछ अगर हेल्प हो सकता है तो हेल्प कर सकते हैं, और ये मतलब कि यहाँ पर जो आदमी गिरा होगा उसको हेल्प कर सकते हैं। पीपल पीपल शुड पीपल शुड द डू हेल्प द कार मतलब कि हेल्प्स द विक्टिम इंसिडेंट विक्टिम, मतलब जो पर्सन जो गिरा है उसको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो पीपल ये कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं उसकी मतलब कि कार को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हो गया। अगला देखेंगे फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द राइट वर्ड, व्हाट आर द राइट ऑफ पर्सन हु हेल्प्स एंड द हेल्प्स एंसीडेंट विक्टिम, ठीक है, व्हाट आर द राइट्स ए पर्सन हु हेल्प्स एंड विक्टिम। मतलब कुछ लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि जैसे कि हम हेल्प करेंगे तो आपका मतलब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से मतलब कि हेल्प करेंगे तो हम पुलिस हम लोगों को परेशान करेगा, हम भी फंस सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, अगर कोई बंदा हेल्प करता है उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, उससे कोई पुलिस कुछ कर नहीं सकता, अगर सवाल पूछता है तो वह कंप्लेन भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा हेल्प कर रहा है, ठीक है,
तो ये सुप्रीम मतलब कुछ आदमी सोचते हैं कि हेल्प नहीं करना चाहिए, जाइए आप हेल्प करिए, ये आपका मतलब कि ऑनेस्टी दिखाता है, एक आप में एक बिहेवियर एक अच्छा है आपका, मतलब आपके पास मतलब कि ऑनेस्टी। सो यू हैव टू बी ऑलवेज द पीपल, डोंट थिंक द वट हैव टू विथ मी पीपल वी विल फेस प्रॉब्लम, डोंट थिंक अबाउट, ओके। सो यू हैव यू विल गो एंड प्लीज हेल्प द पर्सन, ओके। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बच्चा कोई आदमी किसी को हेल्प कर सकता है तो उसको कोई उसे कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। वो ना पुलिस ना आप कंप्लेन भी कर सकते अगर कोई कुछ बोलता है तो, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, आप पार्ट बी, ठीक है। दे आर रीड विथ ए पार्टनर, आपको मतलब अपने पार्टनर के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो अगला क्या है, फाइव हैबिट्स ऑफ कंसिडरेट पीपल, ठीक है। मतलब यहाँ पर फाइव हैबिट जो हैं ये मतलब का मतलब कंसिडरेट पीपल के बारे में बताया गया, कैसे मतलब कि जो मतलब कंसिडर पीपल होते हैं, जो मतलब कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर फाइव टिप्स है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। बींग कंसिडरेट अदर विल टेक यू चिल्ड्रेन फर्दर इन लाइफ, एनी कॉलेज और प्रोफेशनल डिग्री, मरियन ब्रेट एल्डमैन, ठीक है। तो यहाँ पर फाइव जो टिप्स है उसको हम देख लेते हैं, ये फाइव हैबिट्स आप कंसिडर पीपल। तो फर्स्ट जो है हम ऊपर ऊपर से आपको बता देते हैं, थिंक दे थिंक ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ये मतलब दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। मतलब कि वो ऐसा नहीं कि अपने ही बारे में सोचते हैं, वो लोगों को हेल्प करते हैं, ठीक है। द पीपल कैपेबल पुटिंग देम सेल्फ अदर्स पीपल शूज एंड चूज टू व्यू द वर्ल्ड बिहाइंड देम सेल्फ, मतलब जैसे वो दूसरों का भी हेल्प कर, दे थिंक अदर्स, वो मतलब दूसरों के सोच, जैसे कि हम कभी कभी ऐसा होता है कुछ पॉइंट्स अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही अकॉर्डिंग लिखते हैं कि चीज़ें यही सही होगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं, उसके भी अकॉर्डिंग हमको सोचना है और वह दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। अगला है, अगला क्या है, दे स्माइल ऑफ्टन, ठीक है। तो वह मतलब कि तो वह मतलब कि मतलब कई बार हंसते हैं, मतलब कि वो खुश रहते हैं, वो हेल्प करते हैं, मतलब कि वो लोगों को हेल्प करना जानते हैं, तो यही हो गया। अगला क्या है, दे अंडरस्टैंड द पीपल नीड्स, वो मतलब कि लोगों के बारे में समझते हैं कि मतलब लोगों की क्या ज़रूरत है, अगर कहीं भी किसी चीज़ का हेल्प होता है तो हेल्प करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वे इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो अगला क्या है देखेंगे, दे शो गुड मैनर, वाह वो गुड मैनर शो करते हैं, वह हरदम मतलब कि एक अच्छे जो व्यक्ति होता है वो बींग पोलाइट रहता है, और उसके बाद फिर थैंक यू वेलकम सब चीज़ों को बोलता है, वह मतलब कि एक अलग तरीके का आदमी रहता है। दे पोलाइज, वो अपने गलतियों को भी मानते हैं, ठीक है। तो ये फाइव टिप्स थे, आप आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, अपनी गलतियों को मानते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी गलती नहीं मानते, सॉरी नहीं बोलते हैं, इस चीज़ को बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है हम गलत हैं तो आपको सॉरी अपने भी आपको बोलना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है देखेंगे दोस्तों, डिस्कस एंड आंसर, तो व्हाट इज़ द आर्टिकल अबाउट। ये आर्टिकल मतलब जो ऊपर जो थे आर्टिकल कहते थे, तो यहाँ पर जो आर्टिकल था द बीइंग कंसिडर्ड मतलब कि लोगों के बारे में बताया गया है, और फाइव टिप्स फॉर हाउ टू बी बिकम द बीइंग कंसिडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब यही टोटल आर्टिकल यही था, ठीक है। हैबिट्स के बारे में बताया गया, फाइव कैसे तो आप बन सकते हो, ठीक है। अगला क्या देखेंगे दोस्तों, अगला है देखो सेल्फ असेसमेंट आपको मतलब करना है। तो अगला देखेंगे दोस्तों, देखेंगे पहला, हाउ ऑफ्टन ड्यूरिंग द डे डू यू, हाउ ऑफ्टन ड्यूरिंग द डे डू यू थिंक ऑफ द नीड्स ऑफ अदर्स, मतलब कि आप कितनी बार दिन के दौरान आप सोचते हैं कि आपको सोचते हैं कि आपका जो है मतलब दूसरों को आपकी नीड है, ठीक है। तो ये आप अपने अनुसार बोल सकते हैं, ऑलवेज मोस्टली समटाइम्स रेयरली नेवर, तो आप बोल सकते हैं कि ऑलवेज, ठीक है। और हाउ डू यू हाउ ऑफ्टन ड्यूरिंग द डे डू यू स्माइल, तो आप बोल सकते हैं यस आई ऑलवेज स्माइल, या मोस्ट ऑफ टाइम, मतलब अपने अनुसार आप बता सकते हैं। हाउ ऑफ्टन ड्यूरिंग ऑफ द डे डू यू एप्लाइज योर मिस्टेक, मतलब कि जैसे ये अपने गलतियों को कैसे मानते हैं, आप मानते हैं कि नहीं, क्या रियल जैसे कभी कभी कोई इंसान ऐसा होता है अपनी गलती मानता ही नहीं, तो आप दिन में मतलब कि दिन के दौरान कितने बार मतलब कि आप अपनी गलतियों को मानते हैं, तो आप लिख सकते हो मोस्ट ऑफ टाइम लिख सकते हो। अगर क्या अगला क्या है, ऑफर सीट ए सम, हाउ ऑफ्टन ड्यूरिंग हाउ ऑफ्टन ड्यूरिंग द डे डू यू आफ्टर सीट समवन इन नीड,
सीट समन, मतलब जैसे कि कभी कभी जैसे कि हम बस के दौरान जैसे हम बैठ से बैठ रहते हैं तो कभी कभी मतलब कि चीज़ों को हम समझ पाते हैं, जैसे समन का जैसे कोई हमसे जो रेडर है मतलब कि उसका हेल्प की ज़रूरत है तो हम अपना मतलब चेयर छोड़ उसे दे देते हैं। ये सब चीज़ों को आप मतलब कैसे सोचते हैं, ऑलवेज करते हैं या समटाइम्स नेवर, मतलब अपने शराब ले सकते हैं तो हम अपना ऑलवेज ही बोलेंगे। अलाउ समवन एल्स टू एंटर फर्स्ट, मतलब जैसे कभी कभी जैसे हाउ ऑफ्टन ड्यूरिंग द डे डू यू अलाउ समवन एल्स फर्स्ट, मतलब जैसे कभी कभी कहीं जाना रहता है तो आप क्या करते हैं, आपको दूसरों के बारे में सोचते हैं कि आप दूसरे को जाने देते हैं फर्स्ट या नहीं, तो अपने अनुसार बोल सकते हैं मोस्टली मोस्ट ऑफ टाइम आई विल अलाउ द समवन गो द फर्स्ट। ठीक है, वाला क्या है दोस्तों, देखेंगे तीसरा देख लेते हैं। देखिए दो क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तीन क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। डू यू फाइंड इट इज इजी टू बी कंसिडर्ड टूवर्ड्स सम पीपल एंड नॉट अदर्स, वाई? तो आपको मतलब कि क्या आप पाते हैं मतलब कि यह आप समझ पाते हैं कि जैसे इजी है टू कंसिडर टूवर्ड्स सम पीपल अदर नॉट अदर्स, मतलब कि जैसे कि दोस्तों कुछ लोगों के लिए बीइंग कंसिडर्ड इजी होता है, कुछ लोगों के लिए मतलब डू यू फाइंड टू इजी टू कंसिडर टूवर्ड्स सम पीपल। हाँ मतलब कि जैसे हम कुछ लोगों के लिए पोलाइट बिहेवियर करते हैं, कुछ लोगों के लिए पोलाइट बिहेवियर नहीं करते हैं, कुछ लोग पोलाइट बिहेवियर इसलिए करते हैं हम जैसे कि मतलब कि वो अच्छे इंसान होते हैं उनसे बात करने में अच्छा मज़ा आता है, और कुछ लोग होते हैं जो हमारे इनमी होते हैं वो हमें ऑलवेज मतलब कि वो मतलब डिमोटिवेट करते हैं, इस वजह से उनसे हम उन उस उन इसीलिए उनके 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 साथ हम बीइंग कंसिडर्ड नहीं रह पाते हैं, उनकी तरफ अच्छा बिहेव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं हाउ कैन यू बी मोर बीइंग कंसिडरेट टूवर्ड्स देन यू डोंट लाइक और नो, हाउ कैन यू बी मोर कंसिडरेट टूवर्ड्स दोज हु डोंट लाइक और नो, तो मतलब ये आप कैसे मोर कंसिडरेट हो सकते हैं जिसको आप नहीं पसंद करते हैं और जिसको आप नहीं जानते। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्टली माई दो मदर से फ्रेंड कोई गलत काम कर रहा है, जैसे कुछ चीज़ों को बोल के मेरे से मेरे साथ उसके साथ कुछ हुआ है, तो आप उस चीज़ को बोल के आप जैसे आपके साथ उसके बीच में कुछ झगड़ा हुआ है तो आप उसको मतलब वह समय बोल के आप उसको हेल्प कर देंगे, आप उसका हेल्प करने का प्रयास करेंगे तो बंदा समझ जाएगा ये हमारा इनमी नहीं है, एक अच्छा कंसिडर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप बीइंग कंसिडर्ड हो सकते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक में कुछ था नहीं, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा भाई लोग। थैंक यू सो मच।